बदलते समय के साथ गांव की आबादी शहरों में बसती जा रही है, पर शहरों की इस बढ़ती आबादी से क्या हमें कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है? जी हाँ, जैसे कि 24 घंटे बिना दिक्कत के सभी लोगों को भरपूर पानी और बिजली ना मिलना, घर के आसपास अच्छे हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी और स्वास्थ्य केंद्र की सुविधाओं का ना पहुंचना, कचरे की सफाई, सूखे और गीले कचरे को अलग करना, रिसाइकल करना और समय से उठाने की उचित व्यवस्था ना होना, बढ़ते ट्रैफिक से होने वाले प्रदूषण को झेलना। पर इन समस्याओं को कौन सुलझा सकता है, सरकार, नागरिक या दोनों? ज्यादातर नागरिकों के अनुसार ये सरकार की जिम्मेदारी है, पर क्या देश के नागरिक होने के नाते हमें सुधार में योगदान नहीं देना चाहिए? हम शिकायत करते हैं कि सफाई कर्मचारी कचरा हर रोज लेके नहीं जाते, पर हम खुद ही कचरे को इधर उधर फेंक देते हैं। हर रोज ट्रैफिक जैम की शिकायत करते हैं, पर खुद सिग्नल फॉलो नहीं करते। पर अगर हम प्रयास करें तो इन समस्याओं को सुलझाने में सरकार की मदद जरूर कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम तो बच्चे हैं, हम क्या कर सकते हैं? तो देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। स्कूल, पार्क व अन्य सार्वजनिक स्थानों को साफ सुथरा रखें, सभी के साथ आदर पूर्वक व्यवहार करें, जल व बिजली की बचत करें ताकि भविष्य की पीढ़ियों के लिए पर्याप्त साधन रहें, सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक के नियमों का पालन करें और अपने साथ साथ दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। ट्रैफिक व प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, झीलों, नदियों, समुद्रों आदि में प्लास्टिक व अन्य वस्तुओं को ना फेंकें, क्योंकि ये पानी को प्रदूषित करने के साथ साथ पर्यावरण और जानवरों को भी नुकसान पहुंचाती है। पर दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत में हर रोज रास्ते पे लगभग 30 बच्चे एक्सीडेंट्स का शिकार होते हैं? कभी ओवर स्पीडिंग के कारण, कभी हेलमेट ना पहनने से, कभी रोड पे चलते हुए फोन पे बात या सेल्फी लेते हुए। आइए देखते हैं हम इन दुर्घटनाओं को कैसे रोक सकते हैं। सड़क पे चलने के लिए फुटपाथ या पेवमेंट का इस्तेमाल करें। अगर फुटपाथ और पेवमेंट ना हो तो आते हुए ट्रैफिक की ओर मुंह करके सड़क के किनारे चलें। जहां भी ज़ीब्रा क्रॉसिंग, स्काई वॉक और सबवे बनाया गया हो उसका इस्तेमाल करें। बाएं देखें, दाएं देखें और फिर से बाएं देखें, और जब सड़क खाली हो तब रास्ता पार करें। सड़क पार करते हुए फोन और हेडफोन का इस्तेमाल ना करें। सड़क पार करते समय ना दौड़ें और ना ही सड़क पे खेलें। आप में से काफी बच्चे साइकिल चलाते होंगे। साइकिल चलाते हुए भी हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि साइकिल चलाते हुए ट्रैफिक सिग्नल का पालन करें। साइकिल की अलग से लेन ना हो तो साइकिल को सड़क की बाईं तरफ चलाएं। अच्छे क्वालिटी का साइकिल हेलमेट पहने जो हल्के रंग का हो और जिनमें रिफ्लेक्टर स्ट्राइप्स हों। सड़क पे स्टंट और रेस ना करें। सूरज डूबने के बाद साइकिल चलाते हुए हेडलाइट का इस्तेमाल करें और सुनिश्चित करें कि साइकिल के पीछे रिफ्लेक्टर हो। साइकिल चलाते हुए किसी और वाहन को नहीं पकड़ना चाहिए, क्योंकि अचानक ब्रेक लगने से चोट लग सकती है। अपनी साइकिल की घंटी या हॉर्न को ठीक रखें और जरूरत पड़ने पे हॉर्न दें, जिससे रास्ते पे और लोग भी अलर्ट या सतर्क हो जाएं। चलते हुए ट्रैफिक के बीच साइकिल ना चलाएं। और हाँ बच्चों, सड़क पे दुर्घटना होने वाले लोगों की मदद करना भी एक अच्छा नागरिक होना है। काफी बार हम पुलिस और कानून के डर से सहायता नहीं करते। इसको आसान बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गुड सैमरिटन लॉ पास किया है। इसका मतलब जो व्यक्ति सड़क दुर्घटना में घायल लोगों की मदद करेगा वो सभी परेशानियों से सुरक्षित है, जैसे अस्पताल, पुलिस या अदालत के चक्कर। उस व्यक्ति को कहीं भी अपना नाम या पता बताने की जरूरत नहीं है। बस बहुत हो गई आपकी कंजूसी, मैं नया स्टीम आयरन खरीद रहा हूँ आज। फिलहाल तो मेरी स्टीम निकल रही है। क्या हुआ? अरे मिसेस शर्मा बोल रही थी, तूने सड़क पे एक्सीडेंट होते देखा और पुलिस बुला ली। हाँ तो? तो से मतलब क्यों पड़ता है लोगों के झमेलों में? तो क्या करता, दूसरों की तरह एक्सीडेंट अपने सामने होता हुआ देख के साइड से निकल लेता। कोई डर वर लगता है नहीं तुझे? अरे केस बनेगा, इन्वेस्टिगेशन होगी। सारा दिन मैं अकेली होती हूँ घर में, हाँ वक्त पे वक्त पुलिस आएगी पूछताछ करने के लिए। ये सब करने से पहले सोचता क्यों नहीं है तू?
अरे माँ, मैंने सिर्फ एक्सीडेंट रिपोर्ट किया है, तो पुलिस मुझे आई विटनेस बनने के लिए मजबूर नहीं कर सकती है। और वैसे भी अब पुलिस को इन्फॉर्मेशन देते वक्त आपको अपना नाम और पता बताने की जरूरत नहीं है, तो ना तो कोई पुलिस आने वाली है, ना कोई इन्वेस्टिगेशन होने वाला है। और ये किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने। माँ, एक्सीडेंट है, किसी के साथ भी हो सकता है। भगवान ना करे कल को कोई हमारा अपना हो, तो भी आप सोचने में इतना समय लगाओगी, नहीं ना? सड़क दुर्घटनाओं में घायल लोगों की मदद करने वाला व्यक्ति गुड समैरिटन अब सभी प्रकार की परेशानियों जैसे अस्पताल, पुलिस विभाग और अदालती प्रक्रियाओं से सुरक्षित है। ये सिविल रिट पिटीशन नंबर 235/2012 सेव लाइफ फाउंडेशन बनाम भारत सरकार में सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। आइए आगे बढ़े, सड़क दुर्घटनाओं में घायल लोगों की मदद करें। अधिक जानकारी के लिए goodsamaritanlaw.in पर जाएं या GSL 5888 पर SMS करें। एक अच्छे और जागरूक नागरिक होने के नाते आज हमने जो भी सीखा उसके बारे में अपने परिवार और दोस्तों और आसपास के लोगों को बताना चाहिए। एम परिवहन ऐप के द्वारा ट्रैफिक के नियमों के उल्लंघन की रिपोर्ट करनी चाहिए। अगर चलने के लिए फुटपाथ ना हो तो अपने एरिया के लोकल वार्ड ऑफिसर के अधिकारी से बात करनी चाहिए। आज हम सब प्रतिज्ञा या शपथ लेते हैं कि मैं अपनी जिम्मेदारियों और अपने अधिकारों के प्रति सचेत हूँ। मैं अपने दोस्तों, परिवार और अपने समुदाय की परवाह करता या करती हूँ। मैं अपने शहर और अपने देश के नियमों का सम्मान करता या करती हूँ। मेरे स्कूल, पार्क, खेल के मैदानों और अन्य सार्वजनिक स्थानों का ख्याल रखने की, सभी के साथ आदर पूर्वक व्यवहार करने की, घर, स्कूल और जहाँ भी मैं जाऊँ वहाँ पानी और बिजली की बचत करने की, सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक के नियमों का पालन करने की, कचरे को अलग करने, गंदगी ना फैलाने और हमेशा कूड़ेदान में कचरा फेंकने की, सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने की। अगर हम इन नियमों का पालन खुद से करते हैं तो एक दिन हमारी सड़कें सबके लिए सुरक्षित होंगी।